नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में 10 लोगों को नौकरी देने पर निशाना साधा और कहा कि जिन 10 लोगों को नौकरी दी गई है उनकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हरदयाल लाइब्रेरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों को 18 महीनों से वेतन नहीं मिला है, उनका वेतन दे। आइए देखते हैं कि इसके अलावा इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कहा। बेटे को नौकरी दे दी, 10 ऐसी नौकरियां दे दी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो 10 भी जांच होगी तो कौन होगा पता चल जाएगा। उन 10 को भी 3 महीने के लिए कच्चा रखा और उसके बाद फिर परमानेंट रख दिया। तो मुझे तो लगता है कि गड़बड़ तो है पूरा मामला। आपको भी लग ही रहा होगा कि गड़बड़ है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दिल्ली को चला रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या इसे आप उचित मानते हैं जो उन्होंने आपकी पार्षद ने किया। भारतीय जनता पार्टी के जो भी एलजी साहब आए हैं उन्होंने दिल्ली वालों को बेईमान कहा है, दिल्ली वालों को चोर कहा है। मैं एलजी साहब आपको भी पत्र लिख रहा हूं, आपको सारी डिटेल सारे प्रूफ के साथ आपको पत्र लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि आप इसकी जांच करें। जो सेक्रेटरी है उसका पति मैनेजमेंट कमेटी का चेयर मेंबर कैसे बन गया, उसने अपने बेटे की नौकरी कैसे लगा दी, 10 लोगों को 60 टाइम्स में एडवर्टीजमेंट डाल के भर्ती कैसे कर दी और साथ ही साथ उन 10 लोगों को 3 महीने में परमानेंट कैसे कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टुडे न्यूज़ के साथ।